Thank you. हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा इफ माई वॉइस इज ऑडिबल अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो फटाफट से मुझे थम्स अप दे दें <coughs> हाँ जी बेटा लेट एस स्टार्ट विद हाँ जी हमने हमारा लेसन जो है जल्दी जल्दी से एक तो क्लास में फटाफट आ जाएं जल्दी जल्दी से वे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू और दूसरी चीज़ हमारे पास हमने लेसन पढ़ा था दैट इज़ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट और दो चार चीज़ें हैं एक बेटा कि हमने टेस्ट लिया था उसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन मेरे से लास्ट में पूछ लें इसलिए अपने क्वेश्चन की जो लिस्ट है अगर आपके पास इधर उधर रखी है या कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट से वो क्वेश्चन जो है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बीच में मैंने डील करूँगी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में अभी तक कुछ भी समझ में अगर आपको नहीं आया है तो आप जल्दी से अपना वो क्वेश्चन भी पुट अप कर दें फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग हैं वी आर ऑन पेज तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 35 पेज तक और आज हम स्टार्ट करेंगे वी शैल स्टार्ट विद थर्टी पेज ठीक है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इन ही सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल ठीक है बेटा हाँ जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है चाहे so हम सिर्फ 9:15 तक आपकी मैं लेसन की प्रॉब्लम्स लूँगी टेस्ट की प्रॉब्लम्स लास्ट में ठीक है ना हाँ जी लास्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में दो छोटी सी बातें हमने डिस्कस की थी और वो क्या डिस्कस की थी कि हमारे पास जो वाइस राय बटरफ्लाइज किसको कॉपी करती है मोनाक को कॉपी करती हैं क्यों क्योंकि मोनाक्स को बर्ड्स एक सिंपल फार्मूला याद करना है कि मोनाक्स को बर्ड्स नहीं खाते हैं तो वॉयसराई बटरफ्लाई मोनाक् जैसी दिखेगी तो वो बर्ड फूड नहीं बनेगी बर्ड्स का खाना नहीं बनेगी उसकी ज़िंदगी बच जाएगी इसलिए वो क्या करती है वॉयसराइ जो है वो किसको कॉपी करती है दैट कॉपीज़ दी मोनाक्स मोनाक्स जो हैं वो बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते हैं उनकी नकल करती हैं वो कहते हैं कि सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक लेस दे लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर तो जितना ज़्यादा वो मोनाक जैसा दिखेगी कम चांसेस हैं कि वो बर्ड का क्या बने डिनर बने तो वो डिनर बनने से बचने के लिए क्या करती है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वाइस राय बटरफ्लाई कॉपी मोनाक वो क्यों कॉपी करती है ताकि वाइस राय जो है वो बर्ड फूड बर्ड का फूड ना बने मतलब बर्ड्स उसे खा ना जाए आप टू तो, टू तो सेव uh, इट्स लाइफ अपनी लाइफ को बचाने के लिए टू तो, वाइस राय बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक एंड द सिंपल फार्मूला क्या याद रखना है टू तो सेव इट्स लाइफ एंड डोंट वांट टू बिकम बर्ड फूड वो का खाना नहीं बनना चाहते इसलिए ठीक है बेटा सिंपल सी हिंदी याद रखनी है तो वो अब हम बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करती है उसके उसके जैसा बनने की कोशिश करती है ये देखो ये स्लाइड डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वो कोशिश कर रही है बस यही आपको बात समझनी है हमें यही लिखना है ठीक है ना यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ब्राइट्स ने जो रिजल्ट्स दिए थे उसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं थी बाद में काफ़ी लोगों ने इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई uh, किया था तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो देनी नहीं है सो नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दैट इज़ हाँ जी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इन दस इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल सो लेट स्टार्ट विद ठीक है बेटा हाँ जी स्टारलिंग इज़ अ बर्ड और लास्ट में बेटा एक यूरोपियन बर्ड होता है इट्स लाइक अ स्पैरो जो हमारी स्पैरो होती है तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है दिस बर्ड दिस इज़ एन कॉमन यूरोपियन बर्ड विद ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लमेज विचनेस्ट नीयर बिल्डिंग्स एंड इज़ अ गुड मिमिक कॉपी अच्छी करता है ठीक है ना सो दैट इज़ वॉट सो यहाँ हमारे यहाँ फाउंड नहीं होता है इट्स अ यूरोपियन बर्ड दैट इज़ नोन एज स्टारलिंग ठीक है ना तो दिस इज़ नोन एज तो हम हिंदी में बताएं कि बेटा ऐसा बर्ड होता है तो ऐसा बर्ड होता ही नहीं है यहाँ पे तो आप किसको देखेंगे हम नेट पे जाके आजकल आपको फैसिलिटी मिल जाएगी बट आपको इतना याद रखना है कि सिंपल के जो बर्ड्स क्या करते हैं बटरफ्लाइज को खाते हैं तो एक बर्ड वो स्टारलिंग है सो तो उतना याद रख लो कि बहुत इनफ है और डिटेल में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू कैन गेट द डिटेल्स ऑल्सो ठीक है बेटा हाँ जी चलें जी नमिता आ गई है सारे बच्चे आ गए हैं लेटेस्ट स्टार्ट मनस्वी एंड लव निर्मल नमिता हिमानी ममता हाँ जी दीपिका है हाँ जी और बच्चे जो है हमारे पास आंचल हीना हीना है क्या हाँ जी चलें बस वी आर स्टार्टिंग बेटा हाँ जी सौरव सारांश चलें सो लेटेस्ट मूव अहेड तो हमारे पास यहाँ पर है अभी तक उसने इतनी सारी रिसर्च की है अब वो क्या कह रहा है इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल देखो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन सो उसने जो सेकेंड ईयर में अपने रिसर्च स्टार्ट किया था दैट इज ही वॉज एबल टू डिस्कवर उसने क्या डिस्कवर किया था ही डिस्कवर्ड एन अन इंसेक्ट हॉर्मोन तो so, हॉम्स ने आपने साइंस में बायो में पढ़े हैं सो so, उसने एक ऐसा अननोन इंसेक्ट हार्मोन जो है वो डिस्कवर किया सो so, आपको पता ही है कि सेल जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारी जिंदगी किससे बनी हुई है और सेल सो so, हम लोग जो हैं उसी डिस्कवरी के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं तो so, उसने क्या कहा उसने एक ऐसा हॉमोन वो हार्मोन कहाँ होता है लेटेस्ट सी इनडायरेक्टली इट इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स तो सेल्स तो आप साइंस में पढ़ना शुरू करते हो आई थिंक सिक्स क्लास से पढ़ना शुरू करते हो एंड यू नो एवरी थिंग अबाउट सेल तो वो हमारे पास हम लोग आगे पहुँचेंगे नेक्स्ट उसने कहा है द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर बहुत सिंपल अब उनके पास क्या क्वेश्चन था जिसके लिए वो ये रिसर्च कर पाए वो क्या था इसको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है वो क्या बताना चाहते थे किस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे वो ये था दैट इज़ व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पोर्स ऑन अ मोनाक प्यूपा सो देयर इज़ अ बटरफ्लाई और उस बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर छोटे छोटे बारह गोल्ड कलर के स्पोर्ट्स यानी धब्बे से होते स्पोर्ट होते निशान होते हैं छोटे छोटे निशान होते हैं तो ये निशान मोनाक प्यूपा पे क्यों होते हैं हम लोग बटरफ्लाई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस एक सुंदर सी कलरफुल सा बर्ड है और वो उड़ जाएगा लेकिन उसने क्या जाने की कोशिश की है कि मुनाक प्यूपा की के विंग्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी टाइनी से ट्वेल्व गोल्ड स्पोर्ट्स होते हैं वो क्यों होते हैं उनका क्या पर्पज़ है ही वॉन्ट्स टू नो दर्पज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो इन सभी का पर्पज़ जानना चाहता है एवरी वन एज्यूम द स्पोर्ट्स फॉर जस्ट ऑर्नामेंटल उससे पहले लोगों ने जो क्या किया था लोगों ने हमारे पास सिंपल सी चीज़ है लोग लोग ये कहते थे कि नहीं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है ऑर्नामेंटल का मतलब है कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए सुंदर दिखने के लिए है लेकिन हम लोग एक चीज़ सब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता है हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पर क्योंकि बटरफ्लाई भी लिविंग बीइंग है तो उसके ऊपर जो ट्वेल्व स्पोर्ट्स हैं उनका भी कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस से तो कोई ना कोई फंक्शन है उसका सो तो कोई डेकोरेटिव चीज़ तो नहीं है सो एब्राइट सेट बट डॉक्टर योरघाट डिडेंट बिलीव इट सो सभी उसे डेकोरेटिव समझते थे लेकिन डॉक्टर योरघा तो उसे रिसर्च करते रहते थे वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे वो जानना चाहते थे कि इन ट्वेल्व टाइनी गोल्स पोर्ट्स का फंक्शन क्या है पर्पस क्या है और इसका आंसर ढूंढने में अब रिचर्ड एब्राइट लग गया था टू फाइंड द आंसर तो इस क्योंकि यो डॉक्टर योरघा ने उन्हें कहा था टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो वैन ही स्टार्टेड फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंस आइंस स्टूडेंट फर्स्ट है डिवाइस सो

वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे और हार्मोन का फंक्शन क्या होता है इट इज़ नेसेसरी फॉर दी बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट तो वो आपको पता ही है कि हार्मोन का fun, क्या फंक्शन होता है आप पढ़ते जा रहे हैं बट इस यहाँ से इस आस्पेक्ट से हम यही पढ़ रहे हैं कि ये नेसेसरी है इट इज़ असेंशियल फॉर बटरफ्लाइज डिवेलपमेंट अगर ये नहीं होगा तो बटरफ्लाई की डिवेलपमेंट नहीं होगी तो ये सब कुछ करते करते उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि वो जो ट्वेल्थ स्पोर्ट्स है वो क्या करते हैं एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन जो है वो बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास यूजफुल होता है दिस प्रोजेक्ट वो नबराइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर अब ये जब प्रोजेक्ट यहाँ पे तो रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे अभी तक तो रिजट एब्राइट ने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए थे उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे बट यहाँ से जो स्टोरी है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है सो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या लिखा है द प्रोजेक्ट वन अ ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट जब उसने किया क्या कौन सा प्रोजेक्ट है सिंपल सी बात है कि दैट इज़ ही वांट्स टू फाइंड द ट्वेल्व पर्पस ऑफ ट्वेल्ट टाइनी गोल स्पोर्ट्स एंड फाइनली ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट

काउंटी फेयर में और वो काउंटी फेयर से सीधा कहाँ पर पहुँच जाता है एंट्री इनटू दी दैट इज़ दी यू सिंपली कैन से एंट्री इनटू दी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर मतलब सीधा वो आपके पास रीजनल लेवल से सीधा इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच जाता है अमेरिका है ना अमेरिका में तो बच्चे जो है अब हमारे यहाँ तो काफ़ी सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं बट वहाँ पे उसी इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है देयर ही ओन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी और फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसे कौन सा प्राइज मिलता है दैट इज थर्ड प्लेस इन जूलॉजी इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सो ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट एंटेमोलॉजी एंटेमोलॉजी होती है दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अब वो इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहा था ना हाँ जी सो so, उसने क्या कहा है कि वो इंसेक्ट्स की स्टडी करते करते अब उसे क्या मिल गया देखो हमें प्राइस के साथ साथ क्या मिलता है हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं सो so, यहाँ पे रिचर्ड एब्राइड गॉर्ड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट ड्यूरिंग द समर मतलब जैसे उसकी समर वेकेशंस होती हैं तो उस टाइम उसे एंटेमोलॉजी लेबॉर्ट्री है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट की मतलब जैसे देखो हम हमारे घर में तो हम कितने इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं स्कूल में भी कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे बड़े बड़े लैब में देखेंगे तो दे आर हैविंग वेरी सोफेस्टिकेटेड वेरी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप उसका यूज़ करके आप अपने रिसर्च को आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो ये बेनिफिट यहाँ पे किसको मिल जाता है रिचर्ड एब्राइट को मिल जाता है सो so, उसने एंटेमोलॉजी लैब जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया देन एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचेब्राई कॉन्टीन्यूसली एडवास्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनाग प्यूपा और हाई स्कूल जूनियर में भी उसने अपने मोनाक प्यूपा के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको क्या रखा कॉन्टीन्यू रखा इसी पे वो वर्क करता रहा हमें आगे नहीं दिया है कि उसने क्या फाइंड आउट किया दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट इंटरनेशनल साइंस फेयर तो उस साल उसे क्या प्राइज मिलता है फर्स्ट प्राइज मिलता है एंड गेव हिम एन अ चांस टू वर्क इन आर्मी लैब जूरिंग द समर फिर नेक्स्ट समर उसे फिर क्या मिल जाता है आर्मी लैब में काम करने का चांस मिल जाता है इन ही सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर और उसके सीनियर ईयर में क्या होता है वो एक स्टेप और आगे जाता है ही ग्रू सेल्स फ्राम अ मोनाक्स विंग्स इन अ कल्चर सो वो अपनी ही नर्सरी में मोनाक के विंग्स से क्या करता है सेल ग्रू करता है दैट्स द सेल वो डिवाइड और फिर वो सेल के जो आप पढ़ते हैं ना कि सेल के हम लोग पढ़ फंक्शन पढ़ते हैं सेल क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है and it develop into normal butterfly wings scales if only they are fed with a hormone agar unko wo hormone diya jaye to wahan usme development hoti hai और cells का division होता है तो ये सारी चीज़ें hormone from the गोल्स स्पोर्ट्स वो उन hormone लेके उसमें सो ये experiment जो है finally इस experiment की वजह से उसने क्या फाइंड आउट किया कि सेल्स का डिवीजन होता है और हम लोग भी अगर हार्मोन फीड करें तो ये शो करता है यहाँ पर हार्मोन का फंक्शन नहीं दिखाया है कि हार्मोन जो है वो डेवलपमेंट में काम आता है सो so यही चीज़ जो है उसने क्या लिखा है दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर और उसे इंटरनेशनल फेयर में इस बार फर्स्ट प्राइज मिलता है सो ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन सो यहाँ पर वो अपनी ग्रेजुएशन में आ गए हैं धीरे धीरे वो अपने एजुकेशन के साथ साथ ही रिसर्च कर रहे हैं तो नॉर्मली जब भी हम साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो आप न्यूटन की आइंस्टाइन की जो फोटो देखते हैं तो क्या लगता है ऐसा फील होता है कि बड़ी बड़ी जैसे वाइट कलर की दाढ़ी यानी कि साइंटिस्ट जब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा एज हो जाते हैं तो ये कोई नेसेसरी नहीं है इस ये अपनी एजुकेशन के साथ साथ ही क्या बन गया है साइंटिस्ट बन गया है सो so उसने अपना जो एजुके ग्रेजुएशन है जो अपनी उसने बैचलर डिग्री की है उसी के दौरान उसको फिर डूइंग फर्दर वर्क एट दी आर्मी लैब फिर आगे फर्दर वर्क करता आर्मी लैब में एट दी लेबोर्ट्री ऑफ़ द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर और उसे यूएस की जो यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर की जो लैब है उसमें भी काम करने का चांस मिल जाता है ठीक है सो द फॉलोइंग समर इस पैराग्राफ के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी फिर आगे करेंगे हम द फॉलोइंग समर आफ्टर दिस हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू दैब लैब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर सो उसके बाद जो कमिंग समर्स थे तो नॉर्मली उसका काम ज़्यादा क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तो उसके पास ज़्यादा टाइम होता है तो वो अपने रिसर्च में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है क्योंकि अगर छुट्टियां नहीं होती हैं तो उसे अपने कॉलेज का अपनी पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है तो वो भी काम करता है बट छुट्टियों में वो अपने रिसर्च पे ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो इसीलिए उसने कहा है कि फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी में तो फ्रेशमैन मतलब उसका फर्स्ट ईयर ब्राइट वेंट बैक टू तो द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब में काम करता है डिड मो वर्क और ज़्यादा काम करता है ऑन दी हॉर्मोन अभी भी वो किस पे काम कर रहा है हॉर्मोन्स पे काम कर रहा है जो उसने गोल्ड स्पोर्ट्स से फाइंड आउट किया था अब यहाँ वो कहता है यूजिंग दी लेबोरेटरी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स सोफेस्टिकेटेड होता है एडवांस्ड जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यूज करके ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर अब उन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो हॉर्मोन है उसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है अब हॉर्मोन के वो अंदर चला गया उसका केमिकल स्ट्रक्चर उसने फाइंड आउट किया है सो so यहाँ तक उसकी रिसर्च जो है वो प्रोसीड हो रही है देन सो लेट मी टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट फिर हम आगे चलेंगे जल्दी जल्दी से अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से दे दें फिर हम आगे चलेंगे हाँ जी बेटा हाँ जी बेटा मनस्वी इट वॉज टू ऑसम दैट्स वाय ना देख एट ए अर्ली एज ही बिकम अ साइंटिस्ट दैट वॉज एंड ही वॉज एबल टू अचीव सो ही वॉज एबल टू ग्रू सेल्स इट वॉज एंड यू कुड से वी कैन यूज लॉट ऑफ एड्जेक्टिव इट वॉज अ ग्रेट इट वॉज अ वेरी एडवांस्ड सो ही वॉज मूविंग अ हैड इन हिज लाइफ आपको कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो साइंस का चैप्टर है आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा ऐसा फील नहीं हो रहा है आज ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं वी आर लर्निंग साइंस सम हाउ हाँ जी बायो पढ़ रहे हैं हम लोग तो so, जिन लोगों का बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है उनको थोड़ी आ, लेकिन इतनी बायो सारे पढ़ रहे हैं सबको आती है इतनी बायो तो हाँ जी तो चलें फिर नो प्रॉब्लम देन लेटेस्ट प्रोसीडर है हम आगे चलते हैं हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ईयर एंड अ हाफ लेटर एक साल और हाफ सो सिक्स मंथ्स यानी डेढ़ साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर ए ब्राइट गॉड द आइडिया ए ब्राइट को क्या आइडिया आता है फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ जो उसकी नई थ्योरी जो उसने रियल में उसने थ्यूरी क्या दी थी येस गेवन हीज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ उसने सेल लाइफ के बारे में अपनी थ्योरी जो आम सेल लाइफ के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं इट केम वाइल ई वॉज लुकिंग एट एक्सरे और ये कब आया जब वो क्या देख रहा था एक्सरे देख रहा था किसके एक्सरे फोटोज़ देख रहा था दैट इज़ दैमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन तब उसके दिमाग में सेल लाइफ का आइडिया आता है तो जब भी हम लोग जब भी हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं कुछ नया करते हैं तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है देखो आपको इतनी ज़्यादा आपने अचीव कर लिया है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे हम एक्साइटेड हो जाएंगे हम खुश हो जाएंगे, तो कुछ लोग डांस करने लगते हैं कुछ ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए रिचर्ड एब्राइट की जब उसने उसने अपने अचीवमेंट्स उसकी आ, ये कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट अचीवमेंट्स थी तो उसने क्या कहा है देखो वे ने साज़ फोटो जब उसने फोटोज़ को देखा और उसने केमिकल स्ट्रक्चर से उसने सेल के बारे में डिस्कवर किया तो अब ब्राइट क्या कहते हैं डिडन्ट साउथ यूरेका सो so, यूरेका का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना कि यस आई हैव वोन मैं जीत गया हूँ तो जोर से चिल्लाते हैं ना तो इंग्लिश में हम लोग जब एक्सप्रेशन देते हैं तो एक्सक्लॉमेटरी वर्ड का यूज़ करते हैं दैट इज़ यूरेका दैट मीन्स उसने मीनिंग साथ ही दे रखा है दैट मीन्स आई हैव गॉट इट मुझे मिल गया है आई वोन मैं जीत गया हूँ सो दैट इज़ वर्ट बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद दिस वाइन लेकिन रिचर्ड एब्राइट का एटीट्यूड कैसे रहता है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है जो बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज वाले लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाते हैं तो उनके रिएक्शंस भी ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाते होते और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते वो बैलेंस्ड बन जाते हैं और बैलेंस देखो बहुत ज़्यादा खुशी भी हमें हार्ट अटैक ला सकती है बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकता है तो हम अगर बैलेंस बना लेंगे तो हम एक्स्ट्रीम में नहीं जाएंगे तो एक्स्ट्रीम ऑफ एवरी इज़ बैड तो यहाँ पर हम सिंपली वी आर टॉकिंग दैट हेयर रिचर्ड एब्राइट वॉज वेरी पैशनेट वेरी कूल वेरी कम एंड ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन्स फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल तो सिर्फ उसने ये नहीं है कि जो फाइंडिंग्स उसने हॉर्मोन से किया था वही था बल्कि उसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है बायोलॉजी का और वो बायोलॉजी की पज़ल का आंसर मिल जाता है और वो बायोलॉजी का पज़ल क्या है दैट इज़ हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है वो हमारे डीएनए का सेल जो है वो ब्लू प्रिंट होता है कॉपी होता है हम डीएनए से ये पता चल कर सकते हैं डी एन इज़ द इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी तो ये आपने पढ़ा हुआ है हम तो उसको सिंपली साइंस में आपने सारे पढ़े हुए हैं तो आ, हमारे पास हमारी हेरिडिटी को डीएनए से हम अपनी हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है देखो डीएनए से हम लोग क्या पर, कर सकते हैं हम पेरेंटिंग का फीचर्स वी गेट फ्रॉम आर हेरिडिटी दैट इज़ वी गेट टू नो ठीक है ना हाँ जी इट्स अ ग्रीक वर्ड बट इन इंग्लिश इट इज़ यूज एज एन एक्सक्लामेटरी वर्ड ठीक है ना बेटा इसको हम एक्सक्लामेटरी वर्ड का यूज़ करते हैं एक्सक्लामेशन जैसे हम लोग ओ कहते हैं अल्लास कहते हैं आह कहते हैं जस्ट लाइक दैट इट इज़ यूज यूरेका इज़ यूज सो हम लोग बात कर रहे थे कि हेरिडिटी तो डी एन ए आप, आप लोगों ने पता किया ना हम लोग डी एन ए से पता कर लेते तो डी एन ए जो है हमारे पास हेरिडिटी को हम लोग पता कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स कौन से हैं हमारे हमें क्या हेरिडिटी मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है जिसकी वजह से डिटर्मेंस द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ अ सेल हमें इसकी फॉर्म और फंक्शंस सेल के पता चल जाते हैं इसीलिए उसने कहा है कि दस डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ तो डीएनए जो है हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट कॉपी होता है सो जैसे किसी के हमारे पास यहाँ पे आजकल जो है अगर हमारे पेरेंट्स से हम अलग हो जाते हैं बचपन में या कुछ तो हम पहचान नहीं सकते तो इट इज़ अ डी एन इज़ द राइट थिंग टू नो no. सो so यहाँ पे हमारी साइंस ख़त्म हो जाती है ठीक है अब हम रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हैं अब हम लोग इंग्लिश पे आ जाते हैं बायोग्राफी पे आ जाते हैं दैट इज़ रिचर्ड एब्राइट्स एंड हीज़ कॉलेज मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ तब तक आपके पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं आप यू कैन आस्क ठीक है ना हाँ जी सो so हम लोग वो आप डीएनए की फुल फॉर्म आप साइंस में लिखें यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको तो सिंपल जो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा इसमें हमारे पिछले इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या आता है तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि

दैट इज एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट्स अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा काम रिचर्ड एब्राइट का है बल्कि उसके साथ उसका दोस्त है उसका रूम मेट है जिसका नाम है जेम्स आर वोंग जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर उसने ही वॉज एबल टू डिस्कवर ऑल दीज थिंग्स सो फाइनली आफ्टर द डिस्कवरी आफ्टर द डिस्कवरी वट ही डिड इट नेो द वर्ल्ड दुनिया को दिखाने की जरूरत पड़ती है और वह क्या करता है इट वर्कड ऑल दैट नाइट्स ड्राॅइंग पिक्चर्स कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स सो टू शो ही प्रिपेयर द पेपर्स ही प्रिपेयर द मॉडल्स सो ही मेड्स थ्रू आउट द नाइट ही ड्रा पिक्चर्स ना फाइनली ही नीड टू शो टू प्रूव द प्रूव हीज एक्सपेरिमेंट टू द वर्ल्ड सो हाउ वुड ही शो कैसे वो दिखाएगा सो so, उसने क्या किया ही मेड पिक्चर्स ही कंस्ट्रक्ट प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन ही शोज हाउ इट हैपन फिर उसने दिखाया कैसे होता है टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर्स एंड फाइनली बोथ ऑफ देम मिलकर दोनों ने क्या किया दे रॉट द पेपर्स एंड देन दे एक्सप्लेन द थ्योरी एंड दे फाइनली दे एक्सप्लेन द थ्योरी अबाउट सेल लाइफ सो यहाँ उन्होंने वो प्रैक्टिस किया नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरप्राइजिंग नो वन न्यू हु न्यू हिम रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड तो आपके लिए अब आप उसकी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया था फाइनली ही डिड ग्रेजुएशन और ये ग्रेजुएशन उसने कहाँ किया था हार्वर्ड से किया था और हार्वर्ड से भी हाइएस्ट ऑनर्स हाइस्ट ग्रेड्स लेकर उसने किया था एंड ही वाज ए ही वाज सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स सो पंद्रह सौ फिफ्टीन हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स की क्लास में उसका सेकंड रैंक था एंड एब्राइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हारवर्ड मेडिकल स्कूल और फर्दर वो क्या करता है कि वहीं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर वो क्या बन जाता है स्टूडेंट रिसर्चर बन जाता है

आपको मिल जाएगी बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमें ये थ्योरी आपके पास यहाँ तक हमें लिखना है इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है इट विल बी अ बिग स्टेप टूअर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ अगर ये थ्योरी प्रू प्रूव हो जाती है तो जो लाइफ प्रोसेस है वो और आसान हो जाएगी क्या क्या आसानी होगी क्या हेल्प करेगी तो वो इसने आंसर हमें बताया दैट इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर सो हमें क्या मिल जाएगा वी आर एबल टू प्रिवेंट वी आर एबल टू स्टॉप क्या कैंसर को एंड सम ऑफ द डिजीज दैट आर कोज्ड बाय द सेल्स जो सेल से होने वाली बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर है या और जो डिजीज है उनको हम स्टॉप कर सकते हैं ऑल ऑफ़ दिस इज पॉसिबल और ये सब कुछ मतलब कैंसर का अगर हम ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी उसका जो रीज़न है वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्यों है बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरसिटी क्योंकि एब्राइट के पास साइंटिफिक क्यूरियासिटी थी इसीलिए ये रीज़न था हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू दर्पज़ ऑफ स्पोर्ट्स ऑन अ मोना पीपा इवेंचुअलीड हिम टू हिज थ्यूरी अबाउट सेल लाइफ तो उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी फाइनली उसने जब ये फाइंड आउट किया था दैट इज़ दर्पज़ ऑफ़ स्पोर्ट्स ट्वेल्थ टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स ऑन मोनाक प्यूपा इवेंचुअली मीन्स फाइनली आखिरकार उसे, उसने अपनी जो फाइनल थ्योरी दी थी अबाउट सेल लाइफ मतलब उसकी हाई स्कूल की रिसर्च से वो साइंटिस्ट बना एंड ही वॉज एबल टू गिव इज थ्योरी ऑन सेल लाइफ ठीक है आगे हम रिचर्ड के बारे में और जानेंगे कि रिचर्ड सिर्फ पढ़ने में ही एवन नहीं था बल्कि ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट था ठीक है सो so यहाँ से बेटा हम लोग आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर हमें यहाँ पे अपना जो क्योंकि आगे हमें करना है तो यहाँ से दो तीन हम क्वेश्चन ले लेते हैं ये हम लोग कल करेंगे थोड़ा सा पोर्शन बच गया है इतना आपको अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दें फिर हम एक आधा क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं कल करेंगे लेसन फिनिश क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस भी बच गए हैं कुछ और भी बच गया है चाप थोड़ा सा चैप्टर कल के लिए छोड़ देते हैं वो जर्नल है इससे रिलेटेड है रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हमने सारे पढ़ लिए हैं तो हमारे पास उस ये जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे थे वट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो कल हमने दो लिखे थे वन इज इन इन हिज एट्थ ग्रेड उसने क्या किया था दैट इज दैट ही ट्राई टू आपको यही लिखना है ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए viral disease that kills nearly all Monarch caterpillars. So, this was his first experiment and second was is uh, his science fair project was testing the theory that Weissreich -like butterflies copy Monarch. This was his second and third was is that he tried to find is the purpose of 12 tiny gold spots on a Monarch pupa. These were his experiments और आप चाहें अगर आपके पास बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है सो यू कैन आंसर विद दैम ऑल्सो ठीक है ना शॉर्ट में जरूरत नहीं है शॉर्ट में अगर आंसर्स आते शॉर्ट में आएगा तो वन बाय वन आएगा व्हाट ही डिड इन इज एट ग्रेड व्हाट ही ट्राई टू फाइंड आउट हाउ ही ट्राई टू फाइंड आउट और व्हाट वाज देयर इन हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट सो एंड फाइनली वॉट ही फाइंड आउट अबाउट दी ट्वेल्थ टाइनि गोल्स पो सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन तो वो थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक एक पार्ट का आ जाएगा उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आंसर्स आ सकते हैं डिफरेंट वे लाइक दैट वे ठीक है बेटा सो so यहाँ पर हमने यही क्वेश्चन कम्प्लीट किया है ये क्वेश्चन हमने अभी कम्प्लीट नहीं किया है ठीक है ना आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा है इसको कम्प्लीट किया है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पीछे वाला जो क्वेश्चन था सो हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट सो ये टर्निंग पॉइंट में जब हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स अगर बुक टर्निंग पॉइंट इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड इट हेल्प्स हिम टू तो ये बुक जो है अभी भी काम आ रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ यूर घाट्स एडवाइसिस देखो यहाँ पे भी डॉक्टर योर घाट के वजह से ही उसने क्या किया था ही वॉज़ एबल टू फाइंड आउट उसकी जो मेन थ्योरी थी वो यहीं से आती है और वो उसने किसकी एडवाइस पे दिया था डॉक्टर योर घाट का एंड दैट्स वाई ही सेज़ दैट द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक एक्स बिकम द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम ठीक है बेटा चलें लेटमी हाँ जी भूमिका हमारे पास बहुत सारी भूमिका हैं बट टेंथ बी आज कल टेंथ बी की आती है पहले सी की आती थी ठीक है ना ई वाली भूमिका जो है वो गायब रहती है चलें हाँ जी द बुक ट्रैवल्स ऑफ मोनाक एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम फटाफट से आपके जो भी क्वेश्चन हैं अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं यू कैन गिव यू कैन आस्क फिर हम लोग अपनी क्लास को क्या करेंगे फिनिश करेंगे ये कल पढ़ेंगे ठीक है ना कल हम क्या पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस लेसन का क्या कह सकते हैं हम लोग इट इज़ द एपिटोम इट इज़ द समरी ऑफ़ द क्लाइमेक्स हमेशा बहुत अच्छा होता है तो हम किसी भी इंसान से क्या सीखते हैं वो हम कल सीखेंगे आज हमने नहीं सीखा है ओके okay. ठीक है भूमिका बेटा ओके आई गॉट इट हाँ जी सो so, कोई क्वेश्चन नहीं है सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं हम्म hmm? हाँ जी मनस्वी बेटा बाय हैव अ नाइस डे हाँ जी निर्मल बेटा टेंथ बी के बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टेंथ सी के डी ई एफ हाँ जी <coughs> सो so, मैं आज भेज दूँगी आपके टेस्ट रिजल्ट्स बेटा आपको साथ साथ मार्क्स नहीं मिले क्या आई विल सेंड योर रिज़ल्ट टूडे हाँ जी बेटा सो वी हैव फिनिश्ड यू कैन लीव जिसको भी आप आपको अपनी अगली क्लास की प्रिपरेशन करनी है यू कैन लीव क्योंकि हमारे पास चले मैं आज आपके सबके मार्क्स भेज दूंगी इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हाँ जी बाद में तो हो गया था बेटा और कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसी टेस्ट को दोबारा देना है तो आप मुझे आ, मैसेज कर दें जो बच्चा मुझे मैसेज करेगा उसको मैं वो टेस्ट जो है वो आई विल गिव यू हाफ एन आवर अगेन हम डिसाइड कर लेंगे कल परसों में कल उसको फिर दोबारा से आपके लिए एक बार ओपन कर देंगे अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज दे देना ठीक है बेटा हाँ जी चलें तो लेटर्स फिनिश ठीक है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ जी को जिस बच्चे का आपका टेस्ट नहीं हो पाया है गलती से कुछ रह गया है तो बेटा आपको आप आज मुझे बता दें कल आपको फिर ये फैसिलिटी मिल जाएगी और ये टेस्ट ये लेसन जो है वो साथ साथ कर लें ताकि मैं इसका टेस्ट ले लूं ओके okay. चले हाँ जी ठीक है बेटा बाय गुड डे Oh, <music> you thank you